अगर आपने पकोड़े का मिश्रण तैयार किया और आपसे अगर पकोड़े के मिश्रण में पानी थोड़ा ज़्यादा हो जाए और पकोड़े का मिश्रण थोड़ा लूज हो जाए, आप इसके अंदर एक टेबलस्पून गेहूं का आटा डाल दीजिए। गेहूं का आटा डालने से पकोड़े का मिश्रण जो भी आपका लूज हुआ होगा वो परफेक्ट हो जाएगा और पकोड़े बहुत ही बढ़िया तैयार होंगे।